वीवो एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी जो हर 15 दिन में एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था अपना नया वीवो V17 Pro। वो एक डिफरेंट प्राइस पॉइंट को टारगेट करता था, पर 15 दिन बाद वो नया स्मार्टफोन लेके आई है। इसका नाम है वीवो U10। ये एक बजट स्मार्टफोन है और इस वीडियो में हम आपको इस फ़ोन के बारे में बताने वाले हैं कि क्या वाकई में ये एक शानदार बजट स्मार्टफोन है भी या नहीं। पर इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में। वीवो जाना जाता है बहुत अच्छे खूबसूरत फ़ोन बनाने के लिए, बट ये फ़ोन थोड़ा सा मोटा है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, बट ओवरऑल पीछे से काफ़ी प्रीमियम फिनिश और फील देता है ये। इनफैक्ट इसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, ऑब्वियस सी बात है, AI इनेबल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और सेंटर में एक फिंगरप्रिंट सेंसर अलाइन किया गया है। साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलते हैं और फ्रंट पे आपको देखने को मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले इस स्मार्टफोन पे। ग्रिपिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन है, थोड़ा सा हैवी वेट ज़रूर है ये फ़ोन, बट ओवरऑल एक प्रीमियम फिनिश देता है अगर आप एक 15,000 रुपीज़ स्मार्टफोन की बात करें तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट थोड़ा सा शाइनी ज़रूर है पीछे से, बट कवर मिलता है आपको बॉक्स के अंदर, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग कवर्स के साथ फ़ोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप U10 लेंगे तो उसमें भी आप एक कवर लगाएंगे, तो ये शाइनी बैक की आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। वीवो इसमें ऑफर कर रहा है आपको एक 6.35 इंच का डिस्प्ले, नियर बेजललेस दिखता है, बट इसका चिन जो है थोड़ा सा मोटा ज़रूर है एंड व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी विविड साइड ऑफ थिंग्स पे है, ऐसे नेचुरल कलर्स नहीं देखने को मिलते बट एक काफ़ी विविड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इसके डिस्प्ले पे, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, स्पेशली अगर आप सनलाइट के अंदर डिस्प्ले देखते हैं तो कई बार आपको कई चीज़ें पॉपअप होके नहीं दिखती। इसका वो विविड स्क्रीन आपको इनेबल करता है कि ब्राइट सनलाइट के अंदर भी आप मीडियम ब्राइटनेस पे भी इसका डिस्प्ले देख सकें, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। टच स्क्रीन एक्सपीरियंस की अगर बात करें वो भी काफ़ी खूबसूरत है स्मार्टफोन पे एंड ओवरऑल वीवो ने इसमें दिया है आपको एक एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम और उनका खुद का फन टच OS ब्लोटवेयर, जो कि आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ देता है टिंकर अराउंड करने के लिए विद दिस स्मार्टफोन। स्पेक्स की अगर बात करें तो वीवो इसमें आपको दे रहा है एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट। 660 काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड मिड रेंज प्रोसेसर था, इसमें आपको 665 मिलता है, क्वालकॉम का थोड़ा नया सा चिपसेट है वो, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और अगर रैम ऑप्शंस की बात करें तो वीवो आपको ऑफर कर रहा है 3 GB ऑफ रैम और 4 GB रैम। तो स्पेक्स के मामले में काफ़ी स्टैंडर्ड स्मार्टफोन है, मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूबसूरत डिस्प्ले देखने को मिलता है स्मार्टफोन पे एंड डे टू डे यूजेज भी ये काफ़ी आराम से लास्ट कर जाता है, तो कोई भी ऐसे दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलती है इस स्मार्टफोन पे। बात करते हैं इसके कैमरास के ऊपर। ट्राई कैमरा सेटअप काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिला है, स्पेशली बजट रेंज में। इसमें भी आपको वीवो ने एक ट्राई कैमरा सेटअप दिया है, AI इनेबल्ड है, सीन रिकग्निशन कर पाता है ये, फोटोज अच्छी खींचता है, बुके इफेक्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, एजेस इसके काफ़ी स्मूथली आते हैं एंड फ्रंट का जो इसका कैमरा है, वीवो जाना जाता है सेल्फी कैमरास के लिए, वैसे ही कुछ इस फ़ोन में भी आपको देखने को मिलेगा, तो कैमरा के डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे इसके रियर कैमरा सेटअप से और फ्रंट कैमरा सेटअप से। सो ओवरऑल कैमरा वाइज वीवो इज़ नोन फॉर मेकिंग गुड कैमराज ऑन देयर स्मार्टफोन्स एंड U10 में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। एंड फाइनली बात करते हैं इस फोन की सबसे बड़ी USP की, जो कि है इसकी बैटरी। वीवो इसमें ऑफर करता है एक 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी। इनफैक्ट यही एक कारण है कि ये फ़ोन थोड़ा सा थिक भी है एंड थोड़ा सा हेवियर साइड ऑफ थिंग्स पे भी है, बट वो लोग जो कि एक बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और एक लंबी बैटरी का एहसास प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलता है आपको इस फ़ोन के, तो फास्ट चार्जिंग की भी कैपेबिलिटी रखता है U10 और साथ ही साथ आराम से 1 से 1.5 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज भी हो जाती है। एंड अगर लॉन्जिटिविटी की बात करें तो 1.5 दिन तो ये फ़ोन आराम से लास्ट कर जाएगा और अगर आप मीडियम टू लाइट यूज़र हैं तो आराम से 2 दिन भी इसकी बैटरी लास्ट कर सकती है आपके लिए। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में वीवो का U10 जो है एक पार हाउस स्मार्टफोन है। स्पेक्स के मामले में आपको एक
डे टू डे फ़ोन के हिसाब से आराम से संतुष्ट कर पाएगा ये फ़ोन। एंड कैमरा के डिपार्टमेंट में भी जाहिर सी बात है वीवो का फ़ोन है तो कैमरा के डिपार्टमेंट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ोन में। बट इसकी जो मेजर यूएसपी है वो है इसकी बैटरी। बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वीवो U10 को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस कारण हम वीवो U10 को देते हैं एक बिग थम्स अप ऑन जागरण हाईटेक। कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू वीवो U10 ऑन जागरण हाईटेक, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हो। ऐसे ही और गैजेट रिव्यूज और ऑटोमोबाइल रिव्यूज देखना अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे जागरण हाईटेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं।